नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, और उससे भी बड़ी खुशी मेरे लिए यह है कि शिक्षकगण और कुछ छात्र मुझे सुनने के लिए यहां आए। तो मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा में रंगमंच और खेल बहुत जरूरी है, क्योंकि बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास के सामंजस्य के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और रंगमंच का होना बहुत जरूरी है। आज मुझे एक बहुत ही पर्सनल सा वाकया याद आ रहा है, वो सब दोहराते हुए मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ये वाकया मेरे बड़े भाई साहब से संबंधित है, और मुझे डर है कि कहीं इसे उनकी फजीहत ना समझ लिया जाए, पर ना कहूं तो भी लगेगा कि इस विषय में मैंने बिल्कुल अधूरी बात कही है। ये मेरे लिए एक मिसाल है, एक उदाहरण है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जा ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने शुरू किया था। तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और इसी भावना की बुनियाद खूब मजबूत और पुख्ता डालना चाहते थे, ताकि उस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाया करते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। मेरी तंबी और निगरानी का उन्हें पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। सेवादार जी, भाई साहब क्या कर रहे हो? चलो पढ़ाई करो जी। In her bags. जरूरी पास क्या फेल, जरूरी पास क्या फेल, हाँ हाँ मगर फिर, हाँ हाँ मगर फिर, सोचता फिर, जब तो चक्कर स्पेशल अमीना, भाइयों दरअसल भाई श्रीयुत राधेश्याम। विवाधर थे
जी वो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड इन अ विलेज इन रशिया अ फार्मर नेम्ड पहम ही हैड अ बिग फैमिली बट ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड ऑफ हिज ओन ही वाज पुअर एंड अनहैप्पी ही हैड क्वारल्स विद हिज नेबर्स बिकॉज़ हिज कैटल स्ट्रेड इनटू देयर फील्ड्स एंड एट देयर कॉर्न ही इनवाइटेड देयर नेबर्स एंड वांटेड टू हैव देयर बिग प्लॉट्स ऑफ लैंड अरे इस तरह पढ़ोगे अंग्रेजी तो जिंदगी भर पढ़ते रह जाओगे और हर्ष ना आएगा अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं खून जलाना पड़ता है तब जाकर विद्या आती है और आती क्या है हाँ कहने भर को आ जाती है अरे बड़े बड़े विद्वान भी अंग्रेजी में लिख नहीं सकते बोलना तो बहुत दूर रहा अरे तुम तो इतने बड़े घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते मैं कितनी मेहनत करता हूँ ये तुम अपनी आंखों से देखते हो ना और अगर नहीं देखते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है तुम्हारी बुद्धि का कसूर है कितने मिले तमाशे होते हैं तुमने मुझे कभी वहां जाते हुए देखा मैं कभी वहां नहीं जाता हमेशा पढ़ता रहता हूं फिर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल भर पढ़ा रहता हूं और फिर तुम ये कैसे आशा करते हो कि यूं खेल कूद कर और वक्त गवा कर तुम पास हो जाओगे अरे मुझे तो 3 साल ही लगते हैं तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे अगर खेल कूद का इतना ही शौक है तो घर चले जाओ दादा की गाड़ी कमाई के पैसे क्यों बर्बाद करते हो ठीक ही तो कहते हैं भाई साहब मुझे जी लगाकर पढ़ना होगा बिना कोई नक्शा बनाए या बिना कोई टाइम टेबल बनाए मैं टाइम टेबल आज ही बनाऊंगा पांच से छह मैथ्स 6 से 7 स्कूल के लिए तैयार होना 7 से 8 स्कूल के लिए जाना अरे रेवा आज तो तुमने पूरे टाइम टेबल के हिसाब से काम किया चलो अब कुछ खा पी ले नहीं तो स्कूल का वक्त निकल जाएगा चल 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 जल्दी कर जी भाई साहब सावधान हो गए सावधान
पाँच बजे उठना, 6 से 8 पढ़ना, 8 बजे नाश्ता, 1 बजे स्कूल से आना। रेवा सर इधर आओ, ये टाइम टेबल बनाया था तुमने? जी। बढ़िया, कहाँ से बनाया था टाइम टेबल? क्या हुआ, फिर सो गया? बोलते क्यों नहीं, सांप सूंघ गया क्या? और अगर खेलकूद का इतना ही शौक है तो जाओ किसी खेलकूद के विद्यालय में नाम लिखा लो, पर तुमसे तो वो भी नहीं होगा बेवकूफ। तुमसे कुछ कहने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। बच्चों शांत हो जाइए, ये सालाना एग्जाम है। हाँ ये सालाना एग्जाम है आपका और इसमें पास होना आपको जरूरी है। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, दर्जे में प्रथम आया। इस तरह अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। अरे कहां गई आपकी वह घोर तपस्या, मुझे देखिए मजे से खेलता भी ना और कक्षा में अव्वल भी हूँ। अरे आपने अपना खून जला के कौन सा तीर मार लिया, कक्षा में फेल तो होना ही पड़ा ना। देखता हूँ इस साल तो कक्षा में पास हो गए और अव्वल भी आ गए, तो क्या तुम्हें दिमाग हो गया? मगर भाईजान घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, अरे तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो सुना ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश ले लिया या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज वो है कि जो पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। रावण एक चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसके गुलाम थे, आग और पानी के देवता भी उसके गुलाम थे, परंतु उसका अंत क्या हुआ, कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी जो चाहे कुकर्म करे पर अभिमान ना करे, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी तुमने पढ़ाई होगा, उसको भी यह अभिमान था कि ईश्वर का उससे बड़ा भक्त कोई नहीं है, पर उसका अंत क्या हुआ, स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाह रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, उसका अंत क्या हुआ, भीख मांग मांग कर मर गया बेचारा। और तुमने तो केवल अभी एक महज दर्जा ही पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो पढ़ चुके तुम आगे, यूं समझ लो कि अंधे के हाथ बटेर लग गई, परंतु बटेर भी एक बार लगती है, बार बार नहीं। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे ना तो दांतों पसीने आ जाएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा, बादशाहों के नाम याद रखना आसान काम नहीं है, 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं, एक एक का नाम याद रखना आसान काम नहीं है, समझते क्या हो तुम? 7वें हेनरी की जगह 8वां हेनरी लिख दिया तो सब नंबर गायब, सफाचट सिफर भी ना मिलेगा। अरे समझते क्या हो, दर्जनों विलियम्स हुए, दर्जनों जेम्स हुए हैं और कौड़ियों चार्ल्स, इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते रहते थे। अरे मुझसे पूछते मैं बताता उन्हें 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो खुदा की पना, ओ बो जो की जगह ओ जो बो लिख दो तो सब नंबर गायब। अरे कोई निर्दयी मुतमईनों से नहीं पूछता कि ओ बो जो और ओ जॉबो में क्या अंतर है, लेकिन नहीं, दाल भात रोटी और भात दाल रोटी क्या फर्क है, कुछ भी खाओ, लेकिन नहीं, इन निरीक्षकों को कोई परवाह नहीं, ये तो वही चाहेंगे जो पुस्तक में लिखा होगा, वही रटो अक्षर अक्षर रट डालो,
और इसी रटंत का नाम विद्या रख छोड़ा है, शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसर पैर की बातों को पढ़ने से फायदा? इस लम को उस लम में गिरा दो तो आधा लम से दुगना होगा या चौगना होगा या आधा ही रहे मेरी भला से। तो अब कह दिया जाए कि समय के पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो। अब आप हाथ में कलम लिए, कॉपी के सामने उसके नाम को रोइए। अब कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उस पर चार पन्ने लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहूंगा। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे ज्यादा संसार देखा है मैंने, तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांधो, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन मुझे आज निस्वाद लग रहा था। जब पास होने पर इतना तिरस्कार मिल रहा है तो फेल हो जाने पर तो प्राण ही ले लिए जाएंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे का जो भयंकर चित्र खींचा उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, बस यही ताज्जुब है। इतना तिरस्कार होने पर भी पुस्तकों के प्रति मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। लेकिन खेल कूद का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देता था, पढ़ता था मगर इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और स्कूल में जलील ना होना पड़े। इस पार्क का जो व्यास है वो 14 मीटर है। हमें यह ज्ञात करना है कि यह बच्चा इस पार्क को चारों ओर जब घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा। इसके अगर कोई धावक या कोई बच्चा इस पार्क के चारों ओर घूमेगा उसका एक सूत्र लगेगा, वो सूत्र होगा 2πr। इसी को कहते हैं परिमाप। ठीक है, समझ आ गया? गुड, चलो हो गया मीटिंग। लौंडों के साथ ढेरे पे कनकौवे उड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब तुम्हें इसका भी कोई लिहाज नहीं ना कि 20वीं जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो? और एक जमाना था जब लोग 8वीं जमात पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे, और उसी 8वीं जमात में आकर तुम सरे बाजार में इन लौंडों के साथ ढेले के कनकौवे के पीछे दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर शर्म आती है।
तुम ज़हीन हो। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा ज़हीन किस काम का जो किसी की आत्मा और गौरव को ठेस पहुंचाए। और अगर तुम अपने दिल में ये सोचते हो कि भाई तुम भाई साहब से केवल एक दर्जा नीचे हो और भाई साहब को तुम्हें अब कुछ कहने का हक नहीं, ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और रहूंगा। दुनिया और जिंदगी का तजर्बा मुझे तुमसे ज्यादा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कल चाहे तुम एमए, डिलिट, डिफिल ही हो जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात से आगे नहीं बढ़ पाए होंगे, और हम दुनिया की सारी विद्या भी पढ़ लें, मगर दादा और अम्मा को हमें समझाने का अधिकार है। वो हमारे जन्मदाता हैं, इसलिए यह अधिकार है, इसलिए नहीं कि उन्होंने विद्या नहीं पढ़ी है। देव ना करे कल को अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम कुछ भी नहीं करोगे। मगर तुम्हारी जगह अगर दादा हो तो उनके हाथ पांव नहीं फूलेंगे, वो किसी को तार भी नहीं देंगे, घबराएंगे भी नहीं, पहले खुद मरज खोजने की कोशिश करेंगे, और अगर उसमें कामयाब नहीं हुए तो डॉक्टर को बुलाएंगे। हम दोनों चाहे पूरी दुनिया की विद्या पढ़ लें, मगर अम्मा और दादा को हमें सुधारने और समझाने का अधिकार है, इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि दुनिया और जिंदगी का तजर्बा उन्हें हमसे ज्यादा है। तो भाईजान, अपने दिल से ये गुरूर निकाल देना कि तुम स्वतंत्र हो गए हो, मेरे रहते तुम बेरा ना होने पाओगे, और अगर तुम इस तरह नहीं मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। बस तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी ना। हरगिज नहीं भाई साहब, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सच है, और आपको वह कहने का अधिकार भी है। आने के लिए मना तो नहीं करता, मेरा भी जी जल चाहता है, तू खुद बेराह चलूं तो तेरी रक्षा कैसे करूंगा, ये कर्तव्य भी तो मेरे सर है ना। भाई साहब ने कसकर मुझे छाती से लगा लिया, उनके आंसू निकल रहे थे, मैं भी रोने को हो गया। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल उसके पीछे पीछे शोर मचाता दौड़ रहा था। भाई साहब तो लंबे थे ही, उन्होंने उछल कर उसको पकड़ लिया और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े, मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा।